आप सभी को राम राम। आज भी हमने अपना शेयर बुला लिया है पुष्पेंद्र, एक बार ताली हो जाता हूँ लड़के। चलो अब आप सभी को पता है सिलेक्शन हो गया भाई साहब का CISF SI। ठीक है, कितने मार्क्स थे? 226 है ना, 326 यानी 327 मार्क्स थे। और इस बार दिल्ली पुलिस का मेरिट थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हाई चला गया है, 344 पर गया है 400 में से, ध्यान रखना। और चलो मैं ज्यादा बात तो कहूंगा कि मेहनत तो खैर इसकी है, पर ये आपके पीछे बैठ के पढ़ा है यहीं पे। इन एक बार मेंस का स्कोर और बता दो इंग्लिश का। 170। ठीक है, 179 स्कोर बैठा है यहाँ पे, तो मैं 180 मानता हूँ 200 में से करीबन। ठीक है, लेकिन सीधा सा मतलब डेडिकेशन का है, मैं आपको पहले बता दूं, एक दो दिन की कहानी है नहीं है। उसमें एग्जाम भी बहुत क्लियर हुए, ऐसा नहीं कि एक एग्जाम इसका ही क्लियर हुआ है। इससे पहले FCAT भी हो गया था, CDS भी हो गया था। जब फर्स्ट टाइम ये मेरे पास आया था तो शायद इसने पहले CDS दिया था एग्जाम, इसमें किसी को पता नहीं होगा। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो पहले CDS एग्जाम दिया था, फिर FCAT भी किया था। ठीक है, उसके पास GD भी हुआ था। हाँ, GD भी हो गया था। तो कई तो जगह ऐसी है जहाँ पे आके प्रोसेस का टाइम ही नहीं मिला। फिर आपका पिछले साल ही दो जगह एग्जाम में नंबर आया है इसका, एक तो SSC MDS जहां पे अभी ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और उसी टाइम पे हुआ था CPU CRPF जो क्विट करना पड़ा था इस वाले एग्जाम की वजह से कि दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई अब फाइनली जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है CISF पे। तो अभी जर्नी यहाँ पर रुकी नहीं है, अगला जो टारगेट है यहाँ से वो बड़ा सीधा सीधा किसका है, CGL का। तो कहने का मतलब ये है, ये आप मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे इसे। मैं तो इसे जब जाना शुरू किया जब ये क्लास में आया, और हर बच्चे को मैं जब इसे जानता हूँ जब क्लास में आके बैठता है। बाकी आस पड़ोस में तुम एक दूसरे के रहते ही हो, ठीक है, तो एक विश्वास की बात है, अपने विजन थोड़े बड़े करो। ठीक है, थोड़ा सा उठो कि यार हमें भी हाइट वगैरह ठीक है, CRPF दरोगा बनना है, हमें स्टार अपने कंधे पे चाहिए, तो इस चीज को अपना देख के मानना है आप सभी को। ठीक है, बाकी और कुछ इन्हें बता दे, इनके लिए कुछ काम की चीज हो, क्या पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए, तो वही बता दो। जो भैया पढ़ा गया उसे पढ़ लो, दो ढाई महीने में सिलेबस हो जाएगा सारा, उसी में से ही आना है। जो भैया वो देंगे ना, वो क्या वगैरह वो सब उसमें से ही आएगी। एक बुक है वो वाली, जो बिजली सी वाली, वही है सर। मैंने जब मैं आया था तब भी इंग्लिश का ही बताऊँ इसको, पहले 25 में से कितने सही होते थे, 15-16 होते थे तब शुरू में। फिर भैया से पढ़े थे दोस्तों, अब तो 50 में से 50 भी आ जाते हैं। नहीं था सी को भी इंग्लिश में सही था कि 250 की इंग्लिश है ना, उसमें से 223-224 थे मेरे इंग्लिश में, 250 तो सारा वहाँ से ही बना है। 400 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें 250 की इंग्लिश आपकी आनी है CPO और इंग्लिश की क्लास आपकी यहाँ पे चल रही है। वो जो है CGL में भी वही है, 145 तो मेंस में है इंग्लिश के, फिर प्री में 50 की हो। ठीक है, तो उसमें भी बहुत है। तो ये वही है जो बढ़ा गए सब पढ़ते का, यही रिवाइज कर लो जो है। हाँ, तो ये बच्चे कह रहे हैं मैथ्स वैथ्स मैथ्स का तो वही है, बेसिक करो पहले, तो फिर अपने जो भी कोई हो जैसे गगन हो गया, आवास हो गया, टाइम लगेगा 7-8 महीने जी क्या करते भी यही है अपने, वो है बेसिक तो पढ़ लो ना, जो फिर प्रीवियस ईयर ले लो उसमें से करते जाओ हो जाएगा। ठीक है। और किसी